नमस्ते बच्चों, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं आपको तीन तस्वीरें दिखाऊंगी और फिर दो सुराग बताऊंगी। आपको सुरागों को सुनना है और उन तीन तस्वीरों में से सही वस्तु को पहचान कर उसका नाम अपनी कॉपी में लिखना है। क्या आप तैयार हैं? ये रहा पहला सवाल। ये लाल रंग का है और गोल है। बताइए इनमें से कौन सी वस्तु है? बिल्कुल सही, सेब। दूसरा सवाल, हम इसमें यात्रा कर सकते हैं और ये पानी पर चलती है। बिल्कुल ठीक, नाव। आगे बढ़ते हैं, ये धार वाली होती है और इससे हम सब्जी काट सकते हैं। जी हाँ, ये छुरी है। अगला सवाल, इसमें हम किताब रखते हैं और कंधे पर लटकाते हैं। बिल्कुल ठीक, बस्ता। ये लंबी होती है और बारिश से बचाती है। जी हाँ, ये छाता है। ये बहुत लंबी होती है और पटरी पर चलती है। बिल्कुल ठीक, रेलगाड़ी। ये ऊंचा होता है और इस पर फल लगते हैं। शाबाश, ये पेड़ है। ये गोल घूमता है और हवा देता है। बिल्कुल ठीक, पंखा। इसमें पन्ने होते हैं और हम इसे पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये किताब है। ये लकड़ी से बनी है और हम इस पर बैठ सकते हैं। ये कुर्सी है। बच्चों, अब आपकी बारी है। क्या आप इस वस्तु को पहचान सकते हैं? ये लंबी है और जलने पर रोशनी देती है। बच्चों, क्या आपको ये खेल खेलने में मजा आया? आपने कितने सही जवाब दिए? क्या आप इन वस्तुओं के नाम बोल पाए? ये खेल अपने दोस्तों और परिवार के साथ खेलें और अपने उत्तर उनके साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने सुनकर वस्तुओं को पहचानना सीखा।